हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टैंडर्ड थर्ड में हिंदी में पढ़ेंगे। तो तुम लोग को देखो, एक पिक्चर दिखाई, ये सब पिक्चर दिखाई दे रहा है। तो उसमें क्या करना है, तुम लोग को ऊपर ब्रैकेट दिया है, क्वेश्चन में दिए हुए शब्दों के आधार पर चित्र देखकर नाम पूरा करे। तो कौन सा दिया है, ऊन, शंख, दूरबीन, गुलाब, सितार, खरगोश, हाथी, मुर्ग, पौधा, गवैया, सेब और गणेश। तो अभी तुम लोग को फर्स्ट पिक्चर दिखाई दे रहा है, देखो इसको क्या कहेंगे, सितार। तो तुम लोग को क्या लिखना है, आगे का खाली सी लिखना है और तार तो लिखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा वो, सितार। उसके बाद एक कौन से पिक्चर देखो, इसको क्या बोलेंगे, ग, डैश और या। तो अपने को कहाँ है रहा, गवैया। तो क्या लिखना है, व लिखना है, तो क्या लिखना है, गवैया। उसी तरह एक कौन सा पिक्चर है, सेब। तो तुम लोग को क्या लिखना है, स लिखना है, से ब। उसके बाद खरगोश, तो खरगोश यहाँ लिखा हुआ है तो खरगोश लिखना है। उसके बाद गुलाब, शंख, हाथी, गणेश, ये कौन सा पिक्चर है, दूरबीन, ए मुर्ग, बराबर हिरन नहीं लिखना है, उसको क्या ब्रैकेट में दिया है, मुर्ग। तो तुम लोगों को लिखना है मुर्ग। उसके बाद एक क्या है, पौधा, और क्या है, ऊन। तो सब अपने बुक में कंप्लीट करना है और नोटबुक में वन टाइम होमवर्क है। थैंक यू।